अगर आप पे बायोपिक, बिकॉज स्पोर्ट्स बायोपिक का एक दौर चला है, अगर आप पे बायोपिक आए तो क्या मतलब कुछ अपडेट है? ये सवाल बहुत जल्दी ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं, और बट अभी कोई प्लान नहीं है, बट हाँ एक बैक ऑफ द माइंड है कि हाँ एक तैयारी की जाएगी। तो कोई एक्टर आपके दिमाग में कि वो ही करना चाहिए, एक होता है ना ये जस्टिफाई कर देगा, क्योंकि जिस तरह का हार्ड वर्क आपने किया है और इतनी दौलत और शोहरत कमाई है, इतने आराम से नहीं है ये सब। देखिए ये चीज़ मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिसको रोल करना होगा वो खुद मेहनत करके आएगा। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस है? नहीं अभी ऐसा कोई प्लान नहीं किया, क्योंकि प्री प्लान करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर व्यू दिखते हैं उस टाइम पर। तो मेरे हिसाब से आप जब प्लान करें, आप जब वो फीचर्स देखने शुरू करें। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस फ्रॉम साउथ, क्योंकि आप आज हैदराबाद में हैं। यार साउथ की मूवीज बहुत काफ़ी सारी पसंद हैं। okay. जूनियर पसंद है, प्रभास पसंद है, सो मूवीज देखता हूँ मैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि तमिल तो समझ में नहीं आती, और अब तो लेकिन डबिंग मूवीज आ गई हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखने। तो आप मिले होंगे स्टार्स वाज से, और कैसा रहा, आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, वाह यार तुम तो बहुत, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब साथ में बैठते हैं तो वो बातें तो निकलती हैं, क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम मूवीज़ की बात करते हैं, जब हम मूवी स्टार्स के साथ बैठते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि वो चॉइस होती है, क्योंकि प्रोफेशन से अलग जाकर आदमी बात करता है तो वो एक टाइम पास कन्वर्सेशन हो जाता है। तो अब बीन गेटिंग इनटू योर द वाइब्स ऑफ हैदराबाद? नहीं ऑब्वियसली जब हैदराबाद आते हैं तो सबसे पहले अगर किसी से पूछोगे तो बिरयानी का नाम सबसे पहले आता है। तो ओवरऑल अगर सिटी की बात की जाए तो अच्छी वाइब्स हैं, तो कहते हैं ना एक खाने से जुड़ी हुई, एक बहुत सारे दोस्त भी यहाँ पर हैं तो सब लोग मिले, अभी जब घूमे हम सिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट एक ही चीज़ है, हमारे बगल में ये जो खड़े हैं डॉक्टर साहब जो आपको लेके खींच के आए हैं यहाँ हैदराबाद, आज हैदराबाद लेकर आए हैं, आज स्पेशली इनकी वजह से आए, क्योंकि पिक्चर आप देख ही रहे पीछे। सो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा दिन भी जा रहा है। सो इस ब्रांड के बारे में आपका कनेक्शन कैसे रहा, कैसे आप जुड़े इसके साथ, एक छोटी सी जर्नी अगर आप बताना चाहें? एक्चुअली ये सडनली एकदम कोई कनेक्शन नहीं था शुरू में, जो एक फ्रेंड सर्कल के हिसाब से हम लोग ऐड ऑन हुए थे, और मेरे माइंड में भी नहीं था कि हाँ कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। सो बट एक फ्रेंड सर्कल के तौर पर हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे एक दूसरे से। सो ओवरऑल पहले मुझे डर भी लगता था ये चीज़ें सब, हाँ क्यों ही कराना, मैं वैसे भी बहुत हैंडसम है आप, जैसे आपने देखा वैसे दोनों पिक्चर डॉक्टर ने दिखाई है हमारी। सो बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बट ये एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ डर तो था बट रिजल्ट भी उससे ज़्यादा अच्छे निकले हैं। सो आई थिंक अब ये दूरियाँ ख़त्म हो गई हैं कि अब आप बाल बड़े आराम से पा सकते हैं, मतलब अब वो तेल होता था, बहुत सारी टेक्निक्स होती थी, एंड आई थिंक यू आर वेरी मच सेटिस्फाइड, आई थिंक आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया है ये। देखिए डिपेंड करता है पर्सन पे, लेकिन हाँ अगर जो नेचुरल चीज़ हो सकती है तो हम नेचुरल कराने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और डॉक्टर साहब टेक्निकली आपको बता ही सकते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने लुक्स पे ध्यान दें अपने और दूसरी चीज़ जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो डॉक्टर्स का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और हैदराबाद से जब आते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने पिक करनी होती है और यू मेक श्योर कि मैं ये लेके जाऊँगा? यार अपने इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है, क्योंकि आप हर पार्ट में किसी भी साइट पर जाएंगे, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी चले जाओ, आप कुछ ना कुछ आपको एक यूनिक मिलेगा। तो वो एक कनेक्शन बनाता है वो चीज़ हमारे कल्चर के साथ। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हर पार्ट में कुछ ना कुछ है ले जाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं यहाँ से सबसे ज़्यादा खाना इंजॉय करता हूँ। खाना इंजॉय करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में जब जब कभी इवेंट होता है ये सबको बिरयानी इनको पूछते हैं, किधर भी हो इंडिया के बाहर भी, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, रवि भाई का फोन आएगा सामने बिरयानी किधर है, तो ये बोलते हैं हाँ बिरयानी है, मिलेगा। तो बना भी लेते होंगे बिरयानी मेरे ख्याल से, जब खाने का इतना शौक है तो। नहीं खाना बना लेता हूँ मैं, कुकिंग का शौक भी है, ऐसा नहीं है तो, बट हाँ देखो खाना भी पसंद और खिलाना भी पसंद है, तो मैं उसमें बिलीव